हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सबको। तो आज इधर हम लोग बात करने आया है गोप्रो को कैसा रिटर्न करना है। तो उसको रिटर्न करने के लिए प्रोसेस आपको थोड़ा प्रोसेस समय लगेगा, तो वो कैसा प्रोसेस वो अभी आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। कैसे आपको रिटर्न करना है अपना गोप्रो और सर्विस सेंटर से आपको कैसा कॉन्टैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट आपको नेट में इंटरनेट में आपको ढूंढना होगा, गूगल में जाकर सर्च करना होगा गोप्रो सपोर्ट टीम। तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के बात कर सकता है, या उसके एक वेबसाइट पे जाके फेल कंप्लेंट्स नंबर आप दे सकते हो, बात कर सकते हो। तो उसका प्रोसेस कैसा कैसा मैं अभी यहाँ डिटेल में आपको बताता हूँ, चलिए चलते हैं। तो पहले आपको गूगल में जाना है, गोप्रो सपोर्ट टाइप करना है, तो गोप्रो का पेज खुल के आएगा सामने। तो वहाँ में गोप्रो सपोर्ट में क्लिक करना है और एक न्यू इंटरफेस गोप्रो का एक पेज खुल के आएगा, उसमें आपका रिक्वेस्ट डालना है रिटर्न के लिए। रिक्वेस्ट डालने के बाद रिक्वेस्ट ऑर्डर रिटर्न में क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आपका डिटेल्स भरना है, जैसे कि ईमेल आईडी और ऑर्डर नंबर्स। जब आप परचेस करते समय को जो ऑर्डर्स आता है, जो स्लिप आता है, रिसीट आता है, उसमें ऑर्डर्स नंबर दिया होता है, तो उसको पूरा भरना है। और ईमेल आईडी इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपको कम्युनिकेशन गोप्रो ईमेल के थ्रू से ही करेगा। जितना आपका कमर्शियल इनवॉइस हो गया, रिटर्न लेवल हो गया, आरएमए जो स्लिट रिसीट है, वो सब यहीं में सेंड करेगा, इसलिए आपको डिटेल भरना है। और इसमें भर के आप इसको प्रोसीड करना है आगे। तो इसके बाद आपको वेट करना है, गोप्रो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ईमेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले गोप्रो का सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट में जाके गोप्रो सपोर्ट टीम सर्च कीजिए, वहाँ में आप बोलिए कि मेरा गोप्रो को रिटर्न करना है, उसमें सपोर्ट टीम में आप लिख के भेज दीजिए। तो वो सपोर्ट टीम आपको कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके वो आपको एक समय देगा, विद इन इतना समय में आपको कॉल करेगा। तो उस विद इन समय में आप रहना है, रेडी होना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि उसमें जस्ट कन्वर्सेशन जो ओनली इन इंग्लिश होगा, अब हो सके तो जो इंग्लिश बोल सकता है उसके साथ आप रहे, या तो आप बोल पाता है तो आपके लिए आराम रहेगा, क्योंकि वो इंग्लिश से ही कन्वर्सेशन करता है गोप्रो सपोर्ट टीम। कॉन्टैक्ट बातचीत होने के बाद, श्योर होने के बाद आपको ट्रैवल शूटिंग करने देगा आपको गोप्रो को। फिर भी नहीं होने के, आपके नहीं हो पाने से, आपका प्रॉब्लम सेम रहने से, तब जाके वो रिटर्न के लिए प्रोसीड करेगा गोप्रो टीम की ओर से। तो उस प्रोसीड में आपको वहाँ से तीन फॉर्म मिलेगा, कॉमर्शियल इनवॉइस जो एक तरह का आपका रसीट होता है, जो आपका परचेसिंग बिल होता है, एक तरह का कॉमर्शियल इनवॉइस वहाँ से मिलेगा, सेंड करेगा। एंड आपका गोप्रो रिटर्न लेबल, एक लेबल भेजता है जिसका आपका गोप्रो का पैकेज है, उसके ऊपर आपको उसको लगाना है, पेस्ट करना है, इसलिए उसको रिटर्न लेबल एक मिलेगा। एंड आरएमए फॉर्म जिसमें डिक्लेयर होता है कि कौन, जिसमें मेंशन होता है गोप्रो ख़राब है और आपको बैटरी साथ में नहीं बेचना है, जो वहां से गोप्रो का सपोर्ट टीम से आपको भेजेगा। तो ये सब हो जाने के बाद गोप्रो आपको बोलेगा कि नियरेस्ट यूपीएस सेंटर, ये एक यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक सर्विस सेंटर है, कोरियर सर्विस सेंटर है, उस कोरियर सर्विस सेंटर को आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलेगा। या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उसका वेबसाइट में जाके आपका सामान को पिकअप करने का, पिकअप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या गोप्रो के थ्रू से वो आएगा आपके इधर सामान पिकअप करने। तो आज है 10 अगस्त 2022, मेरा गोप्रो को रिटर्न अभी मैं बेच रहा हूँ यूपीएस सर्विस के थ्रू। तो ईटानगर एरिया में कोई भी यूपीएस सर्विस सेंटर नहीं है, उसका कोई ब्रांचेस है जो यहाँ से कोलकाता जाता है, इसके बाद वहाँ से सीधा सिंगापुर जो गोप्रो का सर्विस सेंटर है। तो आपको बेचने से पहले उसके जो सर्विस जो पिकअप करने आता है उसका सामने आपका सामान को पैक करके देना है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कि आपका कॉमर्शियल इनवॉइस है कि नहीं ये वेरीफाई करता है, आरएमए नंबर है कि नहीं, लेवल रिटर्न लेवल है कि नहीं, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स, और आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चेक करके उसके सामने में सील पैक करके देना है। तो इसके बाद ये फ्रीज चार्जेस है, जो रिटर्न का जो चार्जेस है वो यूपीएस वाला को ऑलरेडी आपका गोप्रो को तरह के पैसा दे चुका होता है, इसलिए आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना, ये फ्री सर्विस है गोप्रो की तरफ से। और आपको इस तरह से इसको रिटर्न करके पैक करके आपको सील पैक करके वापस भेजना है आपको गोप्रो सर्विस सेंटर। हेलो गुड इवनिंग। तो अभी आया है मेरा जो गोप्रो है जिसको मैंने रिटर्न किया था, उसको वापस लेने के लिए आया, वहाँ से आ गया है।
अभी हमको कॉल किया है, वो कॉल किया है तो इधर DTDC में पहुंचा है, अभी हम उसको लेने आया है, आपको दिखाता है कैसा है। तो ये है DTDC, वो DTDC में सामान लेने आया है। तो ये है DTDC। ये ले लिया है साहब, देखिए सामान। ये देखिए, ये अभी आया है जो UPS सर्विस से आया है, जो सिंगापुर में जो मेरा GoPro था, GoPro Hero 9 जिसको हम रिटर्न किया था, वो आज पहुंचा है। ये लगभग 20 दिन लगा है। अगस्त 10 तारीख को 2022 अगस्त 10 तारीख को मैंने भेजा था, तो आज अगस्त 31 है, 21 डेज ऑलमोस्ट लगा है रिटर्न आने में। जो GoPro का सर्विस सेंटर है सिंगापुर, वहाँ से सीधा ये भेजा वाला सामान है। अभी यहाँ से अभी देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है कुछ नहीं है, ये दिया है, इसको यहाँ से वाह देखिए, ये है GoPro रिटर्न होके आया। देखिए ये, देखिए ये आया है GoPro की तरफ से रिप्लेसमेंट होके। देखिए रिप्लेसमेंट होके आया है, अभी रिप्लेस करके भेजा है। ये है नया GoPro, ये ऐसा बॉक्स में आता है, देखिए यहाँ GoPro का लोगो लिखा हुआ है, और ये देखिए ये GoPro होना है, ये रिप्लेस होके आया है। अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि कैसा है, फंक्शन कर रहा है कि नहीं। देखिए ये बैटरी, यहाँ बैटरी, इसको अभी बैटरी डाल के देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अच्छा ही भेजा होगा मेरा हिसाब से GoPro। देखिए ये ऑलमोस्ट फंक्शन कर रहा है, एवरीथिंग, टच प्लेट भी काम कर रहा है, नो इंसर्ट वीडियो, टाइमलेस सर्विस, बिल्कुल इजी था, आराम था और ठीक समय से पहुंचा है। थैंक यू वेरी मच GoPro, सर्विस बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच।